अस्पताल देखने में तमाम भाई बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाई बहनों, जैसे आपको पता है कि कोरोना पिछले 1.5 साल से कोरोना ने कहर बरपाया पूरे विश्व के अंदर। जब पूरे विश्व के अंदर कहर बर सकता तो भारत उस पे कैसे बच के रह सकता था, लेकिन कोरोना ने भारत के अंदर भी कहर बचाया। और जो पहली लहर थी उसमें कम मरीज हुए, सेकंड जो दूसरी लहर आई वो एक भयंकर लहर बनकर आई, उसने बहुत लोगों के घरों को तबाह कर दिया, प्रांतों को तबाह कर दिया। लेकिन उसके कहां पर हमारी कमी रही, जहां पर हम देखें कि मैनेजमेंट, पहली लहर में जो मैनेजमेंट हुई उसके बाद सरकारें क्या कर सकती है, सरकारें एक काम कर सकती है। जो पहली लहर थी उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, इसका इलाज नहीं था। लोगों को कोरोना हुआ लेकिन वो अपने आप ठीक होते गए, कुछ हॉस्पिटल में दाखिल हुए, उसके बाद ये काफी हद तक थम गया। गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया लेकिन अनलॉक करने की प्रक्रिया भी चलती रही। जैसे ही अनलॉक करने की प्रक्रिया गवर्नमेंट चलाती रही, इसको हम कह सकते हैं जल्दबाजी भी कह सकते हैं, और जो कोरोना के नियम है उनको पालन करने में जनता की भी कमी रही। क्योंकि सरकारें सिर्फ हम बार बार कहते हैं अपनी रिपोर्ट में और मीडिया में बार बार कहते हैं सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन कानून का पालन करने की जिम्मेवारी हमारे आम नागरिकों की होती है। लेकिन उस तरह से लहर चली गई। लेकिन जो दूसरी लहर आई, दूसरी लहर इतनी जल्दी आई जिसमें किसी को पता नहीं चला, जो मैनेजमेंट की कमी थी वो बड़ी ही एक घातक साबित हुई। कुछ जगह पर ऑक्सीजन प्लांट की कमी हुई। ये क्यों हुई, इसका हम ये नहीं कह सकते कि सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर ब्लेम कर सकते हैं तो हम अपने आप को कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि इसके लिए देखा कि इलेक्शन हुए, रैलियां हुई, हमने खुद ही कानून तोड़े और उस हम और कानून हमने तोड़े और खामियाजा भी हम लोगों को भुगतना पड़ा। लेकिन जो सेकंड लहर आई, यहां पर यह चीज देखने को मिली, पहली लहर और दूसरी लहर के बीच में टीकाकरण, इंजेक्शन, वैक्सीन की एक बहुत बड़ी जो पूरे वर्ल्ड की और इंडिया की टीम ने की, इसकी वैक्सीन निकल गई और टीके लगाने शुरू हो गए। काफी हद तक टीके से इस बीमारी को कंट्रोल हो गया। लेकिन टीकों के अंदर भी देखा गया कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप बना रहा। उस गैप के कारण ये जितने टीके लगने चाहिए थे वो नहीं लग पाए। लेकिन आज ये देखने को मिला, जैसे हम सरकारें देखते हैं कि 21 जून है, योगा डे है, और उसमें आज के दिन मेगा वैक्सीन लगाई जा रही है, जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब लोगों को, हिंदुस्तान में टीका लगाना ही बड़ी बात नहीं होती लेकिन लोगों को जागरूक करना भी बहुत बड़ी बात है। कुछ जगह पर आपने देखा होगा इंटीरियर, जैसे झारखंड के कुछ एरिया हैं, मध्य प्रदेश के कुछ एरिया, जहां पर लोगों ने कहा कि हम टीका नहीं लगाएंगे। यूपी के अंदर देखा होगा आपने, बाराबंकी के अंदर, कि हमने टीके नहीं लगाने। लोगों को वो धारणा से ही बाहर निकालना कि आप इंजेक्शन लगाएं और इस वेव से आप ठीक हो सकते हैं। और इसी तरह से आज की डेट में टीकाकरण के कारण कुछ हद तक ये स्थिति कंट्रोल होगी। आज फिर स्थिति वही है अनलॉक वाली, जैसे अब गवर्नमेंट अनलॉक कर रही है, लेकिन अब हमें संभल कर रहना पड़ेगा। जैसे एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टर गुलेरिया ने चेतावनी दे दी है कि अगर हमने कोरोना के नियमों का पालन नहीं किया तो तीसरी लहर आ सकती है, उस लहर में वो बच्चों के ऊपर काफी इंपैक्ट पाएगी। अब कुछ लोग यहां पर कहने को, हमने भी देखा सोशल मीडिया में बात आती है कि ये कोरोना कैसे देखता है, पहली लहर बुजुर्गों के लिए, दूसरी लहर नौजवानों के लिए, तीसरी लहर बच्चों के लिए, क्या वायरस ये पहचान पाता है कि लहर देखकर वो अटैक करता, नहीं ये नहीं होता। ये तीव्रता होती है किसी भी डिजीज की, पहली लहर में तीव्रता कम थी, दूसरी लहर में तीव्रता ज्यादा, तीसरी लहर में तीव्रता ज्यादा होगी, यानी कम्युनिकेशन फैलाने की जो कैपेसिटी वो ज्यादा होगी। और हर बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम पर अटैक करते हैं, एक इम्यूनिटी का लेवल होता है, जब वो वायरस इम्यूनिटी के लेवल से ऊपर हो जाएगा, इम्यूनिटी कम हो जाएगी, तो वो संबंधित शरीर को संक्रमित कर सकती है। और बच्चों के अंदर ये इम्यूनिटी लेवल ज्यादा है, लेकिन जो तीसरी लहर आएगी उसकी तीव्रता इम्यूनिटी से, उनकी इम्यूनिटी से ज्यादा होगी। और इसके लिए आज की डेट में हम सब क्या कर सकते हैं, प्रश्न ये है, क्योंकि सरकारें भी इस बात को लेकर चिंतित हैं, जो वो भी चाहती हैं कि जो मिसमैनेजमेंट सेकंड वेव में हुई वो तीसरी लहर में ना हो। ऑक्सीजन की सारी फैसिलिटी देकर सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से मुस्तैदी के साथ ऑक्सीजन की कमी को पूरी किया, लेकिन कुछ खबरें ये भी आई कि कालाबाजारी भी हुई। और यहां पर हम सब अर्थ प्रकाश के चैनल से ये भी सबको अपील करते हैं कि इस ये महामारी को हमने एक युद्ध स्तर पर लड़ना है, और इस महामारी के अंदर कोई भी कालाबाजारी इस तरीके की ना करें, क्योंकि इंसानों की जानों से बड़ा कभी पैसा नहीं होता। और इस तरीके से जो आने वाली जो लहर है इसके अंदर एक ही सलूशन है जो केंद्र कह रही है, टीकाकरण, आप वैक्सीन लगाएं। क्योंकि ये नहीं हम कहते कि दो वैक्सीन के बाद कोरोना नहीं होगा, कोरोना फिर भी हो सकता है, लेकिन वो कोरोना
आपको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप ही ठीक हो जाओगे, लेकिन आप किसी को संक्रमित नहीं कर सकोगे। लेकिन आज हम फिर आपसे अपील करते हैं, क्योंकि 21 जून है आज, आज मेगा वैक्सीन डे मनाया जा रहा है, आप अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए भी सभी को एक जागरूकता अभियान चलाते हुए टीकाकरण केंद्र में जाकर अपने टीका लगाए। और मैं डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा आपसे इजाजत लेता हूँ, और जाने से पहले मैं खुद मास्क लगाकर ये आपको अपील भी करता हूँ कि जो कोरोना के नियम है वो आप जरूर फॉलो करें, मास्क लगाएं, इस तरह से सैनिटाइजर से हाथ धोएं और डिस्टेंस बनाकर रखें। डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा की रिपोर्ट। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।